you may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of CPC which is mentioned in our case mat. Santosh Kumar versus Bhai Mool Singh, ये 1958 का केस है और ये जो है समरी सूट पे बेस्ड है जो ऑर्डर 37 रूल 124 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है सीपीसी में. अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे फोकस करते हैं. इस केस का जो फैक्ट है वो ये होता है कि प्लेंटिव को डिफेंडेंट 6000 का एक चेक दिया रहता है, लेकिन जब प्लेंटिव वो 6000 का चेक लेकर के बैंक में जाता है तो वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, यानी कि बैंक पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देता है. तब प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक समरी सूट फाइल करता है ऑर्डर 37 के तहत. तो जब वो समरी सूट फाइल करता है तब जो डिफेंडेंट कम अपेलेंट होता है, यानी कि यही डिफेंडेंट आगे चल कर अपेलेंट भी बनता है, तो जो डिफेंडेंट कम अपेलेंट होता है वो रूल 3 ऑर्डर 37 के तहत लीव के लिए अप्लाई करता है, यानी कि कोर्ट के सामने में ये बोलता है कि मतलब 10 दिन के अंदर ही वो लीव के लिए अप्लाई कर देता है समरी सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद. और कोर्ट के लिए कहता है कि मुझे डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए. और वो डिफेंड करने का जो ग्राउंड रखता है वो ये कहता है कि ये जो 6000 का मैंने जो चेक दिया था वो एक कोलेटरल सिक्योरिटी थी जो गुड सप्लाई हुआ था उसके लिए, लेकिन जो गुड सप्लाई हुआ था तो उस सप्लाई के अगेंस्ट में मैंने कैश में पेमेंट कर दिया था और कुछ जो पेमेंट है वो चेक से भी अदर चेक से भी हुए थे. तो जब उसका पेमेंट हो ही गया, क्योंकि मेन तो था कि गुड्स के बदले में मैंने 6000 का चेक दिया था, लेकिन 6000 के चेक के अलावा मैंने जब कैश और अदर चेक से पेमेंट कर दिए तो ये जो 6000 का चेक था उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो पेमेंट पूरा मिल ही चुका है. तो फिर 6000 के लिए समरी सूट फाइल करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए. तो ये डिफेंडेंट का कंटेंशन रहता है. तो अब ये आते हैं कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन क्या होता है. तो लोअर कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन और डिसीजन होता है, तो लोअर कोर्ट ये कहता है कि जो डिफेंडेंट है वो एक ट्राइबल इशू की बात कर रहा है, लेकिन जो उसका डिफेंस है वो उतना बोनाफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट को जो लोअर कोर्ट है वो लीव ग्रांट कर देता है, यानी कि अपने आप को डिफेंड करने का जो अप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन लगाया था डिफेंडेंट ने वो ग्रांट कर देता है, लेकिन कंडीशन के साथ ग्रांट करता है. और कंडीशन ये लगाता है कि अपेलेंट को आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस सूट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी आपको पे करना होगा. तो फिर इसके अगेंस्ट में जब अपील करता है अपेलेंट कम डिफेंडेंट सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कंडीशन इम्पोज किया गया है डिफेंडेंट कम अपेलेंट के अगेंस्ट में वो इलीगल है, और अपेलेंट जो है यानी कि अपेलेंट कम डिफेंडेंट जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंटाइटल है विदाउट गिविंग एनी सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 3 है जो रूल 3 है ऑर्डर 37 का, उसमें क्लियर कहा गया है कि डिफेंडेंट को जो लीव मिलेगी वो अनकंडीशनल मिलेगी. तो सिविल प्रोसीजर कोड में ये पहले से ही मेंशन है, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट ने उस पर कंडीशन लगा दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को इनवैलिड और इलीगल बताते हुए हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट उसको डिफेंड करने का जो लीव था वो अनकंडीशनल ग्रांट करते हुए कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी कोर्ट जब अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करती है तो जुडिशियल लाइन पे रहकर के ही अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना है, लाइन क्रॉस नहीं करना है. तो इस केस के फैक्ट इशू जजमेंट यही है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.